पंगा ले रहे हो, मैं जाट हूँ आपको पता है क्यों मैं से पंगा ले रहे हो? के वो दिल्ली नहीं जाएगी, अगली बार भी दिल्ली जीत रहे हम। ये हमारा सौभाग्य है, ये मेरे मोदी ने ये करके दिखाया। भारत की कोई सरकार नहीं सुलझा पाई, वो मेरे प्रधानमंत्री ने सुलझाए और ऐसे चुटकी में सुलझाए कि 370 खत्म किया, कोई दंगा नहीं हुआ, राम मंदिर बन रहा है, मेरे प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बन रहा है। बात बात पे मेरा प्रधानमंत्री कुछ मेरा नहीं है वो, हालांकि मेरी पार्टी की सरकार, बात मेरी हमारी पार्टी की सरकार है, आम आदमी की। हमारी दिल्ली में 15 साल सरकार नहीं थी, आज जो दिल्ली में सरकार चल रही है वो उस 15 साल की सरकार को चोर चोर बोलकर अपनी सरकार बनाई। और जब उनकी 28 सीट आई, हमारी 32 सीट आई, जैसे आज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में होने के बाद भी आज हम वहां पे स्वाभिमान के साथ में विपक्ष में बैठे हैं, दिल्ली में भी हम वहां पर विपक्ष में बैठे, और ये 28 ये 28 सीट जीतने वाले, ये 28 सीट जीतने वालों ने वो 15 साल की सरकार को चोर चोर बोलकर जो अपनी सरकार बनाई। राजधानी में 3 MLA, राजधानी में 3 MLA मान्यवर, राजधानी में 3 MCD किसकी है, DDA किसका है, वो सब आपका है। अब रविदास का मंदिर तोड़ देते हो सब कुछ हो जाता है, तो अरविंद केजरीवाल का कसूर क्या है? बैठिए बैठिए विदोड़ी साहब, आराम से बैठिए। मतलब मान्यवर मतलब राजधानी में 3 MLA के, खैर कांग्रेस का तो कोई भी नहीं है, कांग्रेस मान्य सदस्य सब कह रहे फ्री कर दो। क्या दिल्ली के लोगों को स्वाभिमानी नहीं बनाना? क्या बिजली पानी के झूठे वायदे करके हम सबको भिखारी बनाना चाहते? मैं चाहता हूं वो 100 मीटर के प्लॉट का मेरी सरकार अगर 2900 रुपए ले रही है, तो वो गरीब जनता को स्वाभिमानी बना रही है। 16 लाख घरों का 0 बिल आया तो किसने किया ना जी? अरविंद मतलब पूरा दिल्ली को देश समझ लिया उन्होंने, जो आता है दिल्ली। सर मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है, आपके जरिए सरकार को भी आग्रह है, हम तो फिर जीत जाएंगे। बिल में लिखा है कि जीतने आने का, हम जीत जाएंगे फिर। बिल में लिखा है कि जीतने आने का, बस जीत जाएंगे सर। तो लेकिन इनको तो चुप करवाइए, इनसे दिल्ली चली गई इसलिए बस। क्या केजरीवाल आज दिल्ली के मुख्यमंत्री सबको कह रहे हैं कि जल्दी से रजिस्ट्री शुरू करो, जल्दी से रजिस्ट्री शुरू करो, वो दिखाना चाहते हैं कि इसमें मेरा भी कोई साथ है, कोई योगदान है? एक भी योगदान आज अगर लोगों को रजिस्ट्री देगा तो वो DDA देगा, भारत सरकार देगी। आज क्या तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, बोले जाते हो, कुछ पता है किसके DDA? भारत सरकार के DDA। बैठो, अब बैठो। देखो, हम अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का बिल जो कैबिनेट ने 2015 में, नवंबर 2015 में कैबिनेट ने पास कर दिया था, जो दिल्ली की कैबिनेट ने, अब आ गया क्योंकि इलेक्शन आ रही है। सर ज्यादा जोर से मत बोलो, दारा 3PDP भी लग जाएगी। नहीं सर, मेरा गला बहुत कमाल है। नहीं तो जार से तोड़ बोल नहीं मारे हो ना, अब आप टूटे दे तो दारा 3PDP लग जाएगी आपके। मान्यवर मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब ये बिल अब क्यों आ रहा है? क्योंकि चुनाव है, जिन कॉलोनी में सड़क नहीं है, जिन कॉलोनी
कॉलोनी में पानी नहीं है, जिन कॉलोनी में सीवर की लाइन नहीं है, नाली नहीं है, आप सोच कर देखिए मेरे सभी सदस्य कि 60 लाख आदमी दिल्ली में बिना पानी सीवर नाली सड़क कि कैसे रहता होगा। अन अधिकृत कॉलोनियों को जो नियमित करने का ये बिल है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं सपोर्ट में हूं। हालांकि मेरी पार्टी की सरकार, हमारी पार्टी की सरकार आम आदमी की, लेकिन 7.5 हजार करोड़ वहां पे खर्च कर दिया, यहां पानी ही नहीं पहुंचा था 70 साल से पानी नहीं पहुंचा था वहां पे, पर जहां पे टैंकर माफिया था, तो यहां तो फिर कांग्रेस और दोनों की भी ना, हमारी पार्टी की सरकार तो सिर्फ पिछले दिन ही आई है ना, पिछले कुछ सालों से मेरी सरकार देश में आयुष्मान योजना देती है, दिल्ली में लागू नहीं होती। मेरी सरकार देश के किसानों को एमएसपी योजना देती है, दिल्ली के किसानों को नहीं मिलती। मेरी सरकार, मोदी सरकार, चलो माननीय सदस्य, मोदी सरकार जब दिल्ली के अनुत्रष्ट कॉलोनी को पास करती है तो यहां पर कुछ बैठे लोगों को दर्द हो रहा है कि ये काम मोदी ने कैसे कर दिया। तो अब दिल्ली के सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल की पढ़ाई जो है वो ऐसी कर दी अरविंद केजरीवाल ने कि एक जज का बेटा, एक डीसी का बेटा और एक रिक्शे वाले का बेटा एक बेंच पर बैठकर तीनों पढ़ते हैं, तीनों एक बेंच पर बैठकर पढ़ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं जी ये हो गया सर, इनको जानकारी नहीं है, अरविंद केजरीवाल ने वो काम कर दिया जो इनको पता ही नहीं। हाँ, दुख बहुत है कि वो दिल्ली नहीं जाएगी, अगली बार भी दिल्ली जीत रहे हम तो क्या करें फिर। अब देखो ये मेरी कर रहे हैं, दिल्ली इनकी नहीं है, दिल्ली अब इनकी नहीं। तो आप क्यों मेरे से पंगा ले रहे हो, मैं जाट हूं आपको पता है, क्यों मेरे से पंगा ले रहे हो। मान्यवर, मैं बहुत बड़ा स्टायरिस्ट हूं, मतलब मैं अपनी इज्जत बहुत करता हूं, मैं अपने आप को मान साहब कह के बुलाता हूं, चैटी विकेंड बैठ रहा हूं। अगर मैं मान साहब नहीं कहूंगा तो फिर मुझे कौन कहेगा, कोई नहीं कहेगा। तो सर मुझे ये बता दीजिए अरविंद केजरीवाल को गालियां क्यों दे रहे हैं ये लोग, जिसको चोर चोर कहकर खूब चिल्लाया, सत्ता में आने के लिए उन्हीं से हाथ मिलाया। हो सकता था जिन पैसों से दिल्ली का विकास, वो पैसा विज्ञापनों पे लुटाया, जिनको जिंदगी बदल देने का दिलासा दिया, 5 साल में बस उनको जहरीली हवा और जहरीला पानी पिलाया कि सरहद पर तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।